आपको ध्यान में होगा कि जब 2019 में उन्होंने शपथ ली और उसके बाद जब मंत्रालय बटे तो उन्होंने कृषि विभाग और पशुपालन विभाग, ये ज्वाइंट था, उन्होंने कृषि और पशुपालन को अलग अलग कर दिया। उसका ये सबसे बड़ा हेतु था कि यदि जैसा अभी डीसी साहब कह रहे थे कि गांव में हम देखते हैं कि महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं, पुरुष ताश खेलता रहता है, तो असलियत में ये जो ताश खेलने का काम है ना, जब तक ये चलता रहेगा तब तक ये आय दुगनी तिगनी होने का सपना साकार नहीं हो सकता। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि कृषि का काम तो 4-6 महीने का होता है पूरे साल में, और पशुपालन का काम ये पूरे साल भर चलता है। इसलिए हमारे विभाग की बहुत योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं की जानकारी के बाद में हमें नजर आती थी, वो पशु भी नजर आते थे और खेती का अगर मैं कहूँ कि वो हिस्सा होते थे। बहुत सारे फोन में चाहे उसको हम बैलों को हल जोतने में यूज करते थे, ऊँटों को करते थे, या दूध के लिए यूज करते थे, या जो गोबर होता था वो खाद के तौर पर यूज करते थे, तो पशु खेती का बहुत बड़ा पार्ट था। पशु एक इतना सेफ इन्वेस्टमेंट है, आज के दिन जब डॉक्टर्स और मेडिसिन इतनी एडवांस हो गई हैं, तो छोटी मोटी जो बीमारी होती थी उसको काबू कर दिया है, उन्नत किस्म की नस्लें आ रही हैं, तो वो आज भी इतना सेफ आपका किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट है जो वापस रिटर्न आपको देता ही देता है।